तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी सालों पहले एक ड्रैगन स्टोन हुआ करता था, यानी एक जादुई पत्थर जिसके अंदर बहुत सारी ताकतें थी और उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करके डीमन क्रिएचर्स हमारी जमीन पर आ गई थी। मगर उस ड्रैगन स्टोन ने डीमन क्रिएचर्स के साथ साथ इंसानों को भी ताकत दी, जिसका इस्तेमाल करके इंसानों ने बहुत सारे ताकतवर हथियार बनाए जो उन डीमन्स के खिलाफ लड़ने के लिए काम आ सकते थे। अब क्योंकि दोनों ग्रुप्स इन्हीं इंसानों और डीमन्स के पास ताकतें आ गई थी, इसीलिए उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। काफी सालों तक उनकी लड़ाई चलती रही जो आज तक नहीं हुई। तभी हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक औरत और उसकी बेटी डरकर भाग रही होती है, क्योंकि उनके पीछे एक काफी खतरनाक डीमन पड़ा हुआ था जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। तब वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और वहाँ खामोश बैठी रहती है। डीमन ने इन्हें देख लिया होता है और वो औरत पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और बाद में खा जाता है। वो बच्ची कोई आवाज नहीं करती, अपना मुँह बंद रखती है, मगर उस डीमन के टेंटिकल्स अब आहिस्ता से उसके पास आ रहे थे, जिससे बचने के लिए बच्ची वहाँ से भागने लगी, जहाँ वो डीमन भी उसका पीछा करता रहता है क्योंकि अब वो इस बच्ची को मारने वाला। फिर कुछ वक्त के बाद बच्ची एक जगह पर रुक जाती है, काफी घबराई हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो नहीं बचने वाली, क्योंकि वो डीमन भी उसके काफी करीब आ गया था और काफी खतरनाक दिख रहा था। और अब जैसे ही वो कूद कर बच्ची पर हमला करने वाला होता है तो तभी सामने से एक लड़का आकर अपने फास्ती शील्ड आगे कर देता है, जिससे टकरा कर वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है और बच्ची की जान बच जाए। उसका नाम टेंशी था, जो दरअसल एक डीमन हंटर था जिसका काम डीमन्स को पकड़ पकड़ कर मारना था। तभी यहाँ टेंशी के दो भाई भी आ जाते हैं और वो भी दोनों डीमन हंटर्स थे। तीन डीमन हंटर्स को एक साथ देखकर डीमन काफी घबरा गया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता, लेकिन वो तीनों भी नहीं रुकते और लगातार उसका पीछा कर रहे थे, साथ ही साथ उसे मार भी रहे थे, क्योंकि इन सभी डीमन्स ने तबाही मचाई हुई थी हर जगह। ये लोग बार बार उसे मार रहे थे और आखिर में टेंशी उसका गला काट कर उसका काम तमाम करती था। उधर वो बच्ची काफी डर गई थी, इसीलिए वो यहाँ से दूर भागने लगती है, मगर तभी उसके पीछे अचानक से धमाका हो जाता है जिससे वो और भी डर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि अब तो वो और भी बड़े खतरे में फंस चुकी है, क्योंकि उसके सामने एक काफी बड़ा डीमन था जो ड्रैगन जैसा दिख रहा था। वो काफी खतरनाक और ताकतवर भी था। कुछ डीमन हंटर्स उसके साथ लड़ रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो डीमन इन्हें अपने सामने टिकने ही नहीं दे रहा था। एक एक करके वो इन्हें उठा उठा कर मार रहा था और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। यहीं पर इन डीमन हंटर्स का लीडर भी था जो इन्हें गाइड कर रहा था कि वो इस डीमन पर कैसे कैसे हमला करे। वो लोग अपने लीडर की बात मानकर मिलकर उस पर हमला करती है, मगर वो अभी भी नहीं रुकता, इन्हें लगातार मारता ही जा रहा था। तभी यहाँ वो तीनों भाई भी उस डीमन से लड़ने के लिए आ जाते, तब यहाँ वो सारे हंटर्स भी एक साथ अपना ताकतवर हमला करने के लिए आगे बढ़ते, जो देख वो डीमन अपने मुंह से आग निकालने लगता है बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह। अब वो उन सभी को मारने ही वाला था कि तभी उड़ता हुआ टेंशी आता है और उसके सर पर वार कर देता है, जिससे डीमन को काफी चोट लगती, मगर दिखाया जाता है कि उस डीमन ने अपने मुंह से जो आग का गोला निकाला था उस बच्चे की तरफ बढ़ता है, जो देख टेंशी बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तब वो आग का गोला बच्चे के बहुत पास जाके फट जाता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। इस धमाके में टेंशी भी काफी दूर जाके गिर गया। वो हंटर्स अभी भी हार नहीं मानते और अपनी मजीद ताकत लगाकर अभी भी उस पर हमला कर रहे थे। वो उस डीमन के पास जा जाकर धमाके कर रहे थे, जिससे उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी, वो जख्मी भी हो गया और उसे इस सब की वजह से काफी गुस्सा आ गया था और सभी के कंट्रोल से वो बाहर हो गया था। तो तब यहाँ वो अपने मुँह से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकालता। अब बहुत जल्द टेंशी को इस बात का एहसास हो गया था कि छोटा सा ड्रैगन ही इस डीमन की कमजोरी और इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए वो उस पर वार करने के लिए चला जाता है। बहुत जल्द टेंशी अपनी तलवार से उस छोटे ड्रैगन को काट देता है, जिससे डीमन अपना दम यहीं पर ही तोड़ देता है और फौरन ही मर जाता है। यही उन लोगों को पता चलता है कि ये इकलौता डीमन बचा था, अब इसके बाद जमीन पर और कोई डीमन नहीं है, हमारी ये दुनिया अब पूरी तरह से महफूज है। अब डीमन्स नहीं रहे तो जाहिर है डीमन हंटर्स का काम भी खत्म हो गया था, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो ये काम छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम टेंशी और उसके भाइयों को एक नदी के पास देखते हैं। वो हंटिंग के काम को छोड़कर आम जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये तो उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ डीमन्स का ही शिकार किया, उन्हें पकड़ा या अब वो मछली तक नहीं पकड़ पा रहे थे। वो तीनों अभी जा ही रहे थे, मगर तभी कुछ लोग इनको बड़े गौर से देख रहे थे और इनका मजाक भी बना रहे थे कि ये नाकाम हंटर्स हैं। फिर जब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं तो एक आदमी यहाँ आता है और वो लोग जो मजाक बना रहे थे उन्हें बताता है कि मैं एक खास किस्म की शराब लाया हूँ जो मुझे एक खूबसूरत औरत ने दी थी। वो जैसे उन लोगों को वो शराब देता है तो वो बिना सोचे समझे ही उसे पी जाती है। फिर जब इस जगह पर टेंशी और उसके भाई वापस आते हैं तो बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और दो लोग उसे खा रहे हैं। पता चलता है कि वो सब तो मछली
मछली जैसे डीमन में बदल गए हैं, जो बहुत भयानक दिख रहे हैं और खतरनाक भी। वो अब इन लोगों पर भी हमला कर देते हैं, मगर इन डीमन्स को क्या पता था कि वो गलत लोगों को छेड़ बैठे, क्योंकि तभी टेंची एक डीमन का सर पकड़कर उसे अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जबकि उसका भाई दूसरे डीमन का गला अपनी तेज धार तलवार से ही काट देता है, जिससे फौरन ही वो डीमन्स मर जाते हैं। अब पता चलता है कि ये दोनों डीमन्स दरअसल वही आदमी है जिन्होंने शराब पी थी, जिसे पीने के बाद वो इंसान से डीमन बन गए। तभी इसी चीज का पता लगवाने के लिए टेंची और उसके भाई शहर में जाते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। वो जब एक घर में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी को जख्मी हालत में बेहोश पाते हैं। ये आदमी दरअसल एक डीमन हंटर था जिसे किसी ने काफी जख्मी कर दिया। वो तीनों उस आदमी की मरहम पट्टी करने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम लैला होता है। वो टेंची को देखते ही पहले ही नजर में उसे पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही बच्ची थी जिसकी जान टेंची ने बचाई थी, मगर बॉम्ब फटने की वजह से वो जख्मी हो गई थी। मगर अब क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी इसलिए टेंची उसे नहीं पहचान पाता। वो जख्मी डीमन हंटर टेंची को बताता है कि मुझे ये खबर मिली थी कि डीमन्स धीरे धीरे करके जमीन पर वापस आ रहे हैं, जिसका पता लगाने के लिए मैं शराब की एक दुकान पर गया जहाँ मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा था और डीमन्स की स्मेल भी आ रही। अभी मैं ये सारी चीजें महसूस कर ही रहा था, मगर तभी खतरनाक डीमन ने मुझ पर हमला करके मुझे काफी जख्मी कर दिया। अपनी ये कहानी बताते बताते वो आदमी दम तोड़ देता है और फौरन ही मर जाता है। उस आदमी की बात सुनकर टेंची और उसके भाई सोचते हैं कि हो ना हो उस शराब की दुकान में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमें वहाँ जाकर पता लगवाना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तब इसी सोच के साथ वो लोग निकलते हैं और वहाँ पहुँचकर आराम आराम से इस दुकान के अंदर जाते हैं। इस दुकान का मालिक दरअसल वही शराब अपने वर्कर्स को पिलाकर उन्हें मछली जैसा डीमन बना रहा था और वो एक एक करके अपने सभी वर्कर्स को इंसान से डीमन बना देता है। टेंची और बाकी लोग जब और अंदर आते हैं तो वो अपने पीछे से किसी को भागता हुआ देखते हैं, जिसके बाद ये उस चीज को देखने चली जाती है कि आखिर वो था क्या। यहाँ लैला भी उनके साथ आई हुई थी जो उन सबके जाने से अकेली पड़ गई थी, इसीलिए घबरा रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो सामने से एक डीमन आकर उसे डरा देता है। तभी एक डीमन पीछे से भी आ जाता है और जैसे उसे मारने वाला था तो तभी वहाँ टेंची आकर उसे बचा लेता है, लेकिन अभी भी इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि इनके आसपास एक खतरनाक और ताकतवर डीमन है। अभी उनका सोचना ही था कि तभी वो डीमन इनके सामने आकर इन पर हमला कर देता है। तब उसे रोकने के लिए टेंची उससे लड़ता है, लेकिन वो डीमन काफी ताकतवर था इसीलिए वो टेंची को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर लैला उसकी जान बचाने के लिए एक फॉक्स डीमन जो उसका असली रूप था उसमें आ जाती है, मगर वो एक अच्छे डीमन वो अपनी बड़ी सी दुम से उस बुरे डीमन पर हमला करके उसे काफी दूर उठा के मारती है। डीमन क्योंकि टेंची से अलग हो गया था इसलिए उसकी जान बच जाती है। वो डीमन दुम दबाकर वहाँ से भागने ही वाला था, मगर तभी टेंची के भाई उसे पकड़कर बांध लेते हैं, जिसके बाद वो उसे जान से मार डालते हैं। अब लैला का असली रूप देखकर टेंची को पता चल गया था कि वो भी एक डीमन है। वो अब जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो टेंची उसे पकड़कर उसे पूछता है कि तुम एक डीमन हो तो फिर इंसान बन के क्यों घूम रही हो, और वो भी इंसानों के ही बीच में। तब यहाँ लैला उसे सारी बात बता ही देती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे काफी सालों पहले आपने बचाया था डीमन से। जब आग के गोले से धमाका हुआ था तो मैं काफी जख्मी हो गई थी और मेरी हालत मरने वाली हो गई। अब जिस डीमन को तुमने मारा था उसका खून भी पानी में मिक्स हो गया था, जिसके बाद वो पानी मेरे मुंह के जरिए मेरे अंदर चला गया, जिससे मैं ठीक तो हो गई लेकिन डीमन बन गई। पर मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, इंसानों को नहीं खाती। तभी यहाँ शहर का गवर्नर आता है जो टेंची और उसके भाइयों का शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा उन्हें इल्जाम देने लगता कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, सारे डीमन्स के आने की वजह तुम तीनों दो। अभी शहर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर चलते। तभी यहाँ पता चलता है कि गवर्नर ऐसा डीमन मास्टर के कहने पर कर रहा है, क्योंकि उस डीमन मास्टर ने गवर्नर के अंदर एक जहर डाल दिया था और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, मेरे सारे हुक्म माने जाएं, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें वो दवाई कभी नहीं दूंगा जिससे जहर तुम्हारे अंदर से खत्म हो और तुम ठीक हो सको। जहर तुम्हारे अंदर ही रहा तो तुम मर जाओगी। तो अब गवर्नर खुद को ठीक करने के लिए डीमन मास्टर की सारी बातें मान रहा था। वो हर रात उसके लिए एक लड़की लाता था और उसे खुफिया जगह पर फेंक देता था, जिसे बाद में वो डीमन मास्टर खा लिया करता था, क्योंकि दरअसल डीमन मास्टर के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर पल रहा था जिसे हर रात बहुत भूख लगती थी। जब उसकी भूख को मिटाने के लिए गवर्नर उसे लड़कियां लाके देता था और उसी मॉन्स्टर के आंसू से उन्होंने वो शराब बनाई थी जिसे पीने के बाद सारे इंसान डीमन्स में बदल जाते। अब यहाँ गवर्नर ने गांव वालों को टेंची और उसके भाइयों के खिलाफ भड़का दिया था। सभी गांव वाले टेंची के सबसे छोटे भाई के साथ काफी बुरा सलूक करते हैं, उसके पेट में मोटी सी चीज घुसा कर आर पार करती जाती है। वो बेचारा मरने ही वाला था कि तभी यहाँ टेंची का दूसरा भाई भी आ जाता है। तब गांव वाले उस पर भी हमला करने के लिए तैयार थे। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लोग उस पर हमला करके तीरों की बारिश कर देते। अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा था अपने भाई को बचाने के लिए, मगर इसी बीच उसे भी काफी सारे तीर लग गए थे जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। उसे कमजोर पड़ता
अधिक गांव वाले एक साथ हमला कर दिए थे, मगर क्योंकि वो तो पहले ही जख्मी था इसीलिए अकेला वो इतने बड़े हमले को नहीं रोक पाता। जमीन पर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। फिर जब उनका भाई यानी इस कहानी का हीरो टेंची वहाँ पर आता है तो वो ये देखकर काफी घबरा जाता है कि मेरे भाइयों का इतना बुरा हाल हो गया है। उसका एक भाई अभी भी जिंदा था इसीलिए फौरन वो उसे उठाकर लैला के हॉस्पिटल में ले जाता है और कहता है कि कैसे भी करके हमें इसकी जान बचानी है। जब लैला उसकी हालत देखकर कहती है ये बहुत जख्मी है, इसको बचाना नामुमकिन है, मगर इसे बचाने का एक रास्ता है, वो है ड्रैगन स्टोन। अगर हमारे पास ड्रैगन स्टोन होगा तो हम इसकी जान बचा सकते। तो अब ये दोनों इन्हीं टेंची और लैला उन पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ वो ड्रैगन स्टोन रखा हुआ था। मगर जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो डीमन मास्टर को वहाँ पर पाती है यानी जिसकी वजह से सब हो रहा था। वो उन्हें अंदर जाने नहीं देता और टेंची से लड़ने लगता है जहाँ टेंची उसके साथ काफी देर तक लड़ता रहता है और उस पर भारी भी पड़ता है और आखिरकार सीने में तलवार घुसाकर वो उस डीमन मास्टर को मार ही डालता है। तभी लैला देखती है कि एक डीमन जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स है वो अपने पिंजरे से बाहर आ गया है जो लैला पर हमला कर देता है। तो वो भी अपने फॉक्स डीमन वाले रूप में आकर उसे लड़ती है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि लैला तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, वो तो उसे हाथ तक नहीं लगा पा रही थी। लेकिन तभी वो डीमन टेंची के भाई के जिसमें जाने लगता है और साथ ही उसे अपने काबू में भी कर रहा था। वो एक एक करके अपने सारे टेंटिकल्स उसके अंदर घुसा देता है और थोड़ी ही देर में उसके पूरे जिस्में फैल जाता है। ये देख उसे रोकने के लिए टेंची जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स टेंची के पेट में घुसा देता है जिससे वो काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ वो डीमन जो टेंची के भाई के जिस्में था वो अब काफी ताकतवर हो गया था। इसके बाद वो देखते ही देखते एक काफी बड़े क्रिएचर में बदल जाता है। उसके जिस्म से आग निकल रही थी क्योंकि अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। हर चीज को तबाह बर्बाद करके शहर की तरफ बढ़ रहा, उसका साइज बहुत ही बड़ा। फिर वो शहर में आकर तबाही मचाने लगता है। अब शहर के लोग भी हथियारों के साथ उस क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब उसे रोकने के लिए गोलियां भी चलाते हैं और आग की गोली भी उस पर फेंकी जाती है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया उसका साइज बड़ा था तो इन छोटे छोटे हमलों से उसे कुछ भी नहीं होता, वो उल्टा इन्हीं पर ही हमला करने लगता है। जब उसे रोकने के लिए टेंची उड़ता हुआ आता है और उसके जिस्म के साथ जाके चिपक जाता है, तभी टेंची देखता है कि उसका भाई इस क्रिएचर के जिस्म एक जगह पर चिपका हुआ है। अगर वो अपने भाई को वहाँ से निकाल देगा तो ये क्रिएचर भी मर जाएगा, क्योंकि जब उसके पास इंसान ही नहीं होगा तो वो अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता ये बड़ा सा क्रिएचर टेंची को देख लेता है, वो उसे मार कर अपने ऊपर से हटाकर नीचे गिरा देता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो फौरन ही बेहोश हो गया था। तभी हमें पता चलता है कि इस गांव में बहुत सारे डीमन हंटर्स थे जो आम लोगों की तरह ही रह रहे थे। अभी तक ये सारी सूरत हाल देख कर वो अपने हथियार लेते हैं और उस क्रिएचर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसके पास आकर लगातार उस पर हमला करते जा रहे थे, लेकिन वो क्रिएचर तो उल्टा उन्हें ही मारता रहता। ये देख वो डीमन हंटर्स अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर के ऊपर जाकर वह धमाके करने लगते। तभी हम देखते हैं कि टेंची के पास एक अलग ही किस्म की ताकत आ गई थी जो दरअसल और किसी की नहीं बल्कि लैला की थी, क्योंकि जब उस क्रिएचर ने टेंची को मारकर नीचे गिराया था तब वो मर चुका था। जहाँ तब लैला ने ड्रैगन स्टोन का इस्तेमाल करके पहले उसकी जान बचाई फिर उसने खुद को भी कुर्बान कर दिया टेंची के लिए, जिसके बाद उसकी सारी ताकतें टेंची में चली गई और वो पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर बन गया था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को काफी मारता है और उसके जिस्म के काफी हिस्सों को वो बर्बाद भी कर देता है, जिसके बाद उसका बैलेंस खराब करने में भी कामयाब हो जाता है। ऐसा करके वो वहाँ जाता है जहाँ उसका भाई फंसा हुआ था। वो अपने भाई को वहाँ से निकालने यानी उस क्रिएचर से अलग करने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि उस क्रिएचर ने अपने सारे टेंटिकल्स उसके जिस्म में घुसाए हुए हैं और अगर ये अपने भाई को निकालेगा तो उसका भाई भी मर जाएगा। मगर क्योंकि अपने भाई को खोना नहीं चाहता था तो वो ऐसा नहीं करता, लेकिन अगले ही पल उसका भाई कह देता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि यही एक रास्ता है इस क्रिएचर को रोकने का और इंसानियत को बचाने का। अब हालांकि टेंची ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे ऐसा करना ही था क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो क्रिएचर पूरे शहर को तबाह बर्बाद करके सभी को मार देगा। अपने ही हाथों से अपने भाई को मार देता है जिससे जाहिर है वो क्रिएचर भी मर जाता है। अब मुसीबत उनके सर से टल गई थी इसलिए सारे शहर वाले काफी खुश हो जाते, मगर टेंची तो दुखी था क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि इंसानियत को बचाने के लिए उसे क्या क्या खोना पड़ा। अपनी जिंदगी के सबसे खास लोग अपने भाइयों को और लैला को इस वक्त किस तकलीफ में था सिर्फ वही जानता था। उसके दुख पर चेहरा दिखाते हुए ये फिल्म ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती।